हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो मैंने पहले दो वीडियो डाल दिए हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के। अब जो पहले वीडियो में था, मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया था, वास्तविक संख्या जो चैप्टर है पहली एक्सरसाइज का। उसके बाद जो दूसरा वीडियो था, उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन वगैरह हमने सॉल्व कराए थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के जो दो क्वेश्चन लास्ट के बचे थे, उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कोई भी आगे का नया वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। और दोस्तों, यदि आपने हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो जाके लाइक कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो मतलब कि आपको यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाना है कि यदि हम किसी धनात्मक पूर्णांक का यदि वर्ग कर दें तो वह पूर्णांक यम 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए, एक संकेत भी दिया हुआ है। यह मान लीजिए कि यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप का लिखा जा सकता है। तो संकेत से आपको ज़्यादा मतलब नहीं, चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, यहाँ पर माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। हम लोग ने मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है तथा जो बी बराबर है वो 3 है। बी मतलब कि जहाँ पर ये भाजक के रूप में यहाँ पर काम करेगा, आगे जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तब वो आगे होगा। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है तथा बी बराबर 3 है। अब देखिए आगे इसमें, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भागफल है वो हम लोग मान लेते हैं क्यू, और जो शेषफल होता है उसको आर मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और है, ए है बी से बड़ा है, तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, ये आपको यहाँ पर लिख देना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। तो अब देखिए दोस्तों, जब ये लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, तो अब यहाँ पर ए बराबर बी का मान है 3, और यहाँ पर क्यू क्यू हो जाएगा भागफल, और आर तो ए बराबर 3q+r आ गया। तो ये आ गया दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, जो मैंने सॉल्व किया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर पता है कि जो आर का मान होगा वह 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और क्यू से मतलब कि जो, सॉरी दोस्तों, बी से मतलब कि जो 3 है उससे हमेशा छोटा होगा, क्योंकि आपको पता है जब आप भाग देते हैं, जैसे कि आपने इस तरह किया तो मान लीजिए यहाँ पर 5 कर देते हैं तो यहाँ 1 बचता है, तो ये जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, मतलब कि जो आर का मान है वो हमेशा 3 से छोटा होगा। तो ये इसलिए हमने लिख दिया, जहाँ लिख देंगे जहाँ, उसके बाद लिख देंगे जहाँ क्यू धनात्मक पूर्णांक है। आगे हम लोग ये भी लिख देंगे क्यू धनात्मक पूर्णांक है। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यदि आर का मान 0 के बराबर या 3 से छोटा होगा तो यहाँ पर आर, तो जब यहाँ पर आर का मान रखेंगे तो जब 0 होगा तो ये आएगा, जब 1 होगा तो ये आएगा, और 2 होगा तो ये आएगा। देखिए इससे बड़ा नहीं होगा क्योंकि 3 के बराबर तो मैंने कहा नहीं है ना, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 के बराबर है, 3 से छोटा है मतलब कि 2 तक है। तो मैंने यहाँ पर आर के मान रखे तो 3q+0, 3q+1, 3q+2 आ गए। तो इनको हम लिख सकते हैं ए बराबर 3q, ए बराबर 3q+1, ए बराबर 3q+2। अब हमने ये लिख लिया। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन भी कह रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिखाया कि वर्गों, तो हम लोग सभी का वर्ग करेंगे। पहले इसका वर्ग करते हैं तो आएगा ए स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9q2। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q2 इसको लिख सकते हैं, 3 × 3q2। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3q2 बराबर यम मानेंगे।
माना कि 3q² बराबर m, क्योंकि हमको m के रूप में दिखाना है क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m। तो ये यहाँ पर कंडीशन आ गई, इसका वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 9q² आ जाएगा। उसके बाद 2ab, तो मतलब कि 6q और उसके बाद 1 का स्क्वायर। तो इस तरह ये, अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, सिर्फ हमको इतने से मतलब है, तो यहाँ से 3 कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर बचेगा 3q² + 2q, उसके बाद +1। अब दोस्तों देखिए हम लोग क्या करेंगे कि माना 3q² + 2q = m, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर बराबर 3m+1। देखिए आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर m बराबर ही है, तो यहाँ पर भी यही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दर्शाना है कि जो धनात्मक पूर्णांक होगा उसका जब वर्ग करेंगे तो वह 3m, 3m+1 और या ये 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो इस तरह मैंने आपको ये दर्शाया, तो ये आ गया। अब देखिए जो लास्ट में बचा है, इसको आप करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं करें तो ना करिए, क्योंकि 3m और 3m+1 आ गया। चलिए इसको एक बार हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर 3q+2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या बचेगा 9q का स्क्वायर, उसके बाद 3 मतलब 2ab करना है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 बचेगा 12q+4। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 9q² + 12q 3+1 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे हम लोग, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर बराबर 3, तो 3q² 4q+1 इधर +1, इतने को हम लोग यम मान लेंगे, तो यम बराबर आएगा 3q² 4q+1 माना, तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर बराबर 3m+1। देखिए यहाँ पर भी ए स्क्वायर 3m+1 आया, यहाँ पर भी ये आया, ये यहाँ पर आया। तो मतलब कि आपको यहाँ पर दर्शाना था कि जो किसी धनात्मक पूर्णांक, हमने धनात्मक पूर्णांक माना था ए, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो वह 3m, 3m+1 या 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो मैंने आपको दिखाया बी का मान 3 क्यों लिया गया, क्योंकि उसमें 3m दिया गया है। आप और भी ले सकते हैं जिसमें 3 कॉमन मिल जाए, जिससे 3 कॉमन मिल जाए आप वो भी ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं बी का मान, लेकिन 3 छोटा है इसलिए हमने इसको आसानी से इससे हो जाएगा, इसलिए इसको लिया। उसके बाद ये आपको पता है कंडीशन कैसे होगी, मैंने आपको बता दिया, और ये आपको वर्क करके हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर पहले ऐसे लिखेंगे अतः ए स्क्वायर का वर्ग मतलब कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए का वर्ग 3m, 3m+1 के रूप का है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो इस तरह आप लास्ट में लिख देंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा वह 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। तो दोस्तों देखिए कुछ नहीं करना है आपको, जो मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन बताया, तो इसमें देखिए कहाँ तक मैंने बताया, ये आपको सेम रखना है, ये भी सेम रखना है, यहाँ तक आपको पूरा प्रोसेस सेम रखना है, उसके बाद ये भी प्रोसेस आपको सेम रखना है। अब यहाँ पर देखिए हमने वर्क किया था, तो अब यहाँ पर हम लोग क्यूब करेंगे, पहले इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं 3q+1 ए बराबर 3q+2, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल वही है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वही हम लोग कर रहे हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जैसे बी का मान आप यहाँ पर और भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 3 लिया क्योंकि 3 छोटा है। अब देखिए यहाँ पर इसका हम लोग क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आएगा 27q³। अब देखिए ए क्यूब, अब इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 3q³, तो इसको ये लिख सकते हैं। अब देखिए माना 3q³ = m, तो आएगा ए क्यूब बराबर 3m। इसी तरह इसका हम लोग घन करेंगे, तो इसको भी कर लेते हैं, तो ये 3q+1 का घन करेंगे तो क्या आएगा ए क्यूब बराबर यहाँ पर 27 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3, देखिए 3ab होता है, तो 3 × 3 = 9q, उसके बाद 3q+1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, तो ए क्यूब बराबर यहाँ से हम लोग 3 कॉमन लेंगे। देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, इसलिए पसीना काफ़ी तेज निकल रहा है। अब देखिए यहाँ से हम लोग 9 कॉमन लेंगे, तो 9 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q³, उसके बाद यहाँ से 9 लेंगे तो q 3q+1, इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट में कर देते हैं, उसके बाद +1 बच जाएगा, इसको हम लोग मान लेंगे m, तो आ जाएगा ए क्यूब बराबर 9m+1। इसी तरह दोस्तों इसको कर लेना है, तो यहाँ पर कुछ आएगा
जो आएगा उसको हम लोग मान लेंगे m, तो आ जाएगा ए क्यूब बराबर 9m+8। जब इसका आप क्यूब करेंगे उससे कॉमन लेंगे। चलिए आपको बता ही देता हूँ डायरेक्ट, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो चलिए क्यूब करते हैं इसका हम लोग। तो क्यूब करेंगे तो ये 9 क्यूब हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, उसके बाद 3 3 का 9 2 18 हो जाएगा क्यू, 3 क्यूब+2। तो यहाँ से भी आप 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो क्यू क्यूब बचेगा, और उसके बाद यहाँ पर बचेगा दो दो, दो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 क्यूब 3 क्यूब+2+8। तो इसको हम लोग यम मान लेंगे तो आ जाएगा ए क्यूब बराबर 9m+8। तो जैसा कि आ गया ए क्यूब बराबर 9m+8। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया जो आया 3m। सॉरी दोस्तों, यहाँ 9m होगा, 9m, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको यम माना तो इसकी जगह यम, तो 9m होगा। तो ए क्यूब बराबर 9m हो गया, ए क्यूब बराबर 9m+1 और ए क्यूब बराबर 9m+1। मतलब कि किसी धनात्मक पूर्णांक जब हम घन करेंगे तो वह 9m, 9m+1 या 9m+8 का होगा। आगे आपको ये लैंग्वेज लिख देना है। तो आपको ये आसानी से समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है, और मैंने आपको पूरी तरह अच्छे से समझाने की कोशिश किया। यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपको आगे कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमको बता दीजिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और दोस्तों एक मिनट रुकिए, यदि आप बिना लाइक के क्यों जा रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।